फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। लगातार मैं आप लोगों को 10th का जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का IMP क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले 3 साल से 4 सालों में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोगों का विज्ञान का तीसरा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, चैप्टर 8, 9 और 10। ये 3 पार्ट में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इतने ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे आपका सफिशियंट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग देखें अध्याय 8, जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय। यहां से मैं बता रहा हूं, इससे पहले का वीडियो आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएगा। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले लें। ठीक है, यहां से देखिए अध्याय 8 है, जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा परिवर्ती क्रियाएं में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, कोई 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, स्रोत, स्रावित हार्मोन्स का नाम तथा कार्य लिखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है, 3 पादप हार्मोन के नाम और 2-2 कार्य लिखिए। प्रश्न 56 है, पौधे तथा प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं क्यों। 57 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स में समन्वय की प्रक्रिया को समझाइए। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 9, धातु एवं धातु कर्म में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें संक्षारण क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 60वां नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है। 61वां नंबर क्वेश्चन है, अयस्कों की सांद्रण को निम्न बिंदु में समझाइए, गुरुत्वाकर्षण, जहाज उत्प्लावन, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, 62वां नंबर क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क के 5 अंतर लिखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, सोना तथा चांदी स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, लोहे और एल्युमिनियम के मिश्र धातु के नाम लिखिए। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के अयस्क के प्रकार और नाम और सूत्र लिखिए। अब हम लोग आते हैं प्रकाश में, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन समतल सतह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं, यदि कांच और जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/5 है, तब जल एवं कांच में प्रकाश की चाल की अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से बस आपको नंबर चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को, तालाब में स्थित मछली का स्थित वहाँ स्थित नहीं होती जहाँ दिखाई देती है क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रचना का नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। 72 नंबर है, उत्कर्मिणीता का सिद्धांत क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखकर तथा नामांकित चित्र बनाइए। 74 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम लिखिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन की घटना के दौरान जीवन में कोई 2 उदाहरण लिखिए। 76 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। 77 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है, इसके मात्रक लिखिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी गहराई में क्या संबंध है। 79वां नंबर क्वेश्चन, जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। 80वां नंबर क्वेश्चन है, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई प्रतीत होती है, सतह से इसकी वास्तविक गहराई बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बस एक नंबर चेंज कर देता है। ये वीडियो सीरीज लगातार आप लोगों के लिए आपके एग्जाम से पहले तक चलती रहेगी, तो आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े।